हेलो हाय। चलिए आज हम लोग थर्ड में फाइव पार्ट्स तक हमने खत्म किया था। आज हम सिक्स पार्ट की बात करते हैं बिना किसी रुकावट के। अब देखिए सिक्स पार्ट में हमें गिवन है ए इज इक्वल टू टू, डी इज इक्वल टू एट, ए इज इक्वल टू टू, डी इज इक्वल टू एट और एस एन इज इक्वल टू 90। एस एन इज इक्वल टू 90 डिग्री नहीं है, गलती से लग गया। हमें फाइंड आउट करना है एन एंड ए एन, फाइंड एन एंड ए एन। सिंपल एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता। दैट मीन्स एन अपॉन टू इंटू टू इंटू टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी के जगह लगाएंगे एट इज इक्वल टू 90, और एन इंटू फोर प्लस एट एन माइनस एट इज इक्वल टू 90 को ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 92 जब 180। दिस इज इक्वल टू एन इंटू 8 एन माइनस 4 माइनस 180 इज इक्वल टू 0, और 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन माइनस 180 इज इक्वल टू 0। सारे के सारे एन से 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 2 एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 4 4 जा 16, 2 25 इज इक्वल टू 0। अब 45 2 जा 90, 45 2 जा होता है 90, और एन को ऐसे दो भागों में बांटना कि मल्टीप्लाई करें तो 90 हो, प्लस माइनस करें तो 1 आए। दैट मीन्स 2 एन माइनस 10 एन प्लस 9 एन माइनस 45, 9 10 जा 90 और 10 में से 9 माइनस कर दें 1। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 2 एन, अगर हम कॉमन लें तो ये बन जाएगा अपना 1, 2 एन स्क्वायर है तो n माइनस 5 प्लस का 9 कॉमन लें n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2 एन प्लस 9 और n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2 एन प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बिकॉज इफ द प्रोडक्ट इज 0 देन ईदर ऑफ बोथ मस्ट बी 0। दैट मीन्स n इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 2, ये हो गया रिजेक्टेड। सो योर n इज इक्वल टू 5। अब देखिए n हमें मिल गया, n मिल गया तो यहीं पे बना देते हैं इसी से। n मिलते ही एक तो आंसर मिल गया, ए एन निकालना है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए फाइव इज इक्वल टू ए तो है अपना 2 प्लस 5 माइनस 1 दिस इज द 4 इंटू डी, डी की जगह 8 और इट बिकम्स 2 प्लस 32 दिस इज 34। तो n इज इक्वल टू 5, ए एन इज इक्वल टू 34। दीज टू आर योर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, गिवेन a इज इक्वल टू 8, लिख लो 7 पार्ट, a इज इक्वल टू 8, ए एन इज इक्वल टू 62, एस एन इज इक्वल टू 210। तो अपन फाइंड आउट करना है एन एंड डी, फाइंड एन एंड डी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए इज इक्वल टू 8 है
तो 8 प्लस एन माइनस वन इन टू डी इज इक्वल टू 62। ये अपना पहला इक्वेशन, या इसको ऐसे लिख ले एन माइनस वन इन टू डी इज इक्वल टू 62 माइनस 8। दैट मीन्स 8 इसमें से माइनस कर दीजिए, 54। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन अपॉन टू इन टू 8 प्लस एन माइनस वन इन टू डी इज इक्वल टू 210। इट बिकम्स एन अपॉन टू इन टू 8 प्लस, ये इतना तो हमें मिला है 54, तो लगा लो 54। यही होता है ना, और 2a होता है, a फॉर्मूला हमारा 2a होता है, तो इंटू 16 हो जाएगा यहां पर, 8 2 इंटू 8 16, ये हमारा हो गया इज इक्वल टू 210, और 16 और 54 को जोड़ दें 0 1 6 एंड 1 70 n अपॉन 2 इज इक्वल टू 210, और n इज इक्वल टू 210 इंटू 2 अपॉन 70 0073 जा, और n इज इक्वल टू 6। अब देखिए n हमें मिल गया, तो हमें फाइंड आउट क्या करना आप n जब मिल गया तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन फर्स्ट, व्हाट वी गेट, 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54, और 7d इज इक्वल टू 54, और d इज इक्वल टू 54 अपॉन 7 अब ये इसको डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें, 7 के टेबल में 54 तो आता नहीं है, d हमारा 7 है या 5 होगा ना, जोड़ क्यों दिया मैंने, 5 यानी 5 1 जा 5 10 जा डेसिमल 448, तो ये d मिल गया। दैट मींस हमें दो निकालना था, दोनों निकाल लिया, n इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू 10.8, ये दो आंसर निकालना था जो हमारा फाइंड आउट हो गया। देखिए इस क्वेश्चन के मैंने कहा था 10 में से 10 जो है ना वो 10 टाइप के हैं, और इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस आएगा, ये 10 के 10 आपको करना आ गया तो आप बड़े इत्मीनान से सॉल्व कर सकते हैं। और आपको मैं एक चीज और बताऊं, ये एक एक चीज आप कर सकते हो, बशर्ते आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप पहली बार आ रहे हो, अभी तक आपको पता नहीं था, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, सारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, और देखते देखते सबको देख लेना है, एक एक क्वेश्चन को देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे थे हम, अब 8th को देखते हैं, देखने में क्या जा रहा है, सॉल्व मैं कर ही रहा हूं, तुम देखो समझो, दोबारा देखो तिबारा देखो बार बार देखो, और देख देख के देखते रहो, फिर तुम अपने आप देखना सीख जाओगे। तो चलो हम लोग इसको देखते हैं, और देखते हैं इसमें है कि ए एन इज इक्वल टू 4 दे रखा है हमें, ए एन इज इक्वल टू 4। देखो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, हड़बड़ी कुछ नहीं है, क्योंकि हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है भाई। अब देखो ए एन इज इक्वल टू 4 है, डी इज इक्वल टू 2 है, और एस एन इज इक्वल टू माइनस का कितना है 14। फाइंड आउट करने को कह रहा है आपसे एन एंड ए, फाइंड एन एंड ए, एन और ए निकालना है हमें, तो हम निकालते हैं इसको, एस एन का फॉर्मूला पहले, ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 4, पहला इक्वेशन।
डी को पहला नहीं लेते हैं, डी का वैल्यू ठोक देते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू इज इक्वल टू फोर पहला इक्वेशन। एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये क्या होता है, एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, अब यहां पर तो हमें ये ए एन गिवन है तो हम इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला ए प्लस एल वाला वही लगाते हैं ताकि कम कैलकुलेशन करना होगा। ए प्लस एल, एल का मतलब हो गया ए एन यानी कि फोर इज इक्वल टू माइनस फोर्टीन, और एन इंटू ए प्लस फोर इज इक्वल टू माइनस 14 इंटू टू, तो सीधा डायरेक्ट कर दो 28। अब ए एन प्लस फोर एन इज इक्वल टू माइनस 28, यहां से a का वैल्यू निकालें, a का वैल्यू यहां a से निकाल लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसको छोड़ दो यहीं पे रखते हैं। सेकेंड इक्वेशन ए इज इक्वल टू फोर माइनस एन माइनस वन इंटू टू, और ए इज इक्वल टू फोर माइनस एन टू एन माइनस माइनस प्लस टू, और ए इज इक्वल टू फोर प्लस टू सिक्स माइनस टू एन, ये हमारा थर्ड इक्वेशन। ए का वैल्यू टू पे पुट करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन सेकेंड, सेकेंड में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन इंटू सिक्स माइनस टू एन प्लस फोर इज इक्वल टू माइनस 28, और एन इंटू टेन माइनस टू एन ये प्लस 28 इज इक्वल टू जीरो। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस टू एन है तो माइनस टू एन स्क्वायर प्लस टेन एन माइनस 28 इज इक्वल टू जीरो, माइनस टू से सभी को डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस फाइव एन प्लस 14 इज इक्वल टू जीरो। अब 14 है, हमें 14 लाना, 5 को ऐसे दो भागों में बांटे कि मल्टीप्लाई के बाद 14 आए, प्लस माइनस करने के बाद हमारा 5 आए, देन इट बिकम्स एन माइनस सेवन एन प्लस टू एन प्लस 14 इज इक्वल टू जीरो। एन कॉमन ले, एन स्क्वायर है ये, एन माइनस सेवन प्लस टू कॉमन ले, ये प्लस का 14 आ रहा है, माइनस का 5 चाहिए, फिर तो गलती है। प्लस माइनस में मिस्टेक, एन स्क्वायर यहां पर प्लस माइनस में मिस्टेक हो रहा है, यहां तो गलती है ना, माइनस से करेंगे, यहां जो ये प्लस था तो ये माइनस होगा, ये माइनस अपना बनेगा, दैट मीन्स यहां पर हमें माइनस प्लस का टू लेंगे तो ठीक है, एन माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, ये अपना बन गया n माइनस सेवन या n प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एन माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो तो n इज इक्वल टू टू, और ये n प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, n इज इक्वल टू माइनस टू, ये हो गया रिजेक्टेड, क्योंकि माइनस तो n हो ही नहीं सकता, n मिल गया तो a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू हमें दे रखा है फोर माइनस सॉरी सिक्स माइनस टू एन, सिक्स माइनस टू इंटू टू दिस इज इक्वल टू सिक्स माइनस फोर दिस इज इक्वल टू टू,
तो a मिल गया हमें 2 और n भी मिल गया 2, ये अपना आंसर हो गया। अब रह गया हमारे पास 9, 10, तो करते हैं उसको भी सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तब तक लाइक, सब्सक्राइब और अंगूठा, आपको अच्छा लगता है तो अंगूठा ऊपर कर दो, गंदा लगता है तो नीचे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जब नीचे करो तो बता दो ये गलत लगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है अगले में बढ़िया बना दें। बाय।